श्री नाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी यक्षिणियों के बारे में अध्ययन किया, उनके बारे में जाना। अलग अलग यक्षिणियाँ अलग अलग शक्तियाँ प्रदान करती हैं। कुछ ऐसी यक्षिणियों के बारे में जाना जो कि सिर्फ शादीशुदा जो है पुरुष वो रख सकते हैं। कुछ ऐसी यक्षिणियों के बारे में जाना जो शादीशुदा है वो नहीं रख सकते हैं, वो पत्नी स्वरूपा होती हैं। आज जिस यक्षिणी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस यक्षिणी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा सुना होगा। मैं ये मानता हूँ कि जो मेरे चैनल को सुन रहे हैं वो लोग आध्यात्मिक किताबें पढ़ते होंगे, और आध्यात्मिक किताबों में एक किताब है जो कि बहुत प्रचलित है, वो है आत्मकथा, योगी की आत्मकथा, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। उसमें एक वर्णन है, ठीक है, और वो वर्णन है एक संत का जो सुगंध आपके हाथ में ला के दे देता था। मतलब कि अगर आप मांगो कि मेरे हाथ से गुलाबों की खुशबू आए तो वो गुलाबों की खुशबू आने लगती थी। अगर आप उससे मांगो कि मेरे हाथ में गुलाब जामुन की खुशबू आए तो गुलाब जामुन की खुशबू आने लगती थी। मतलब जो भी तंत्र है जो नाक की खुशबू से, मतलब फाइव सेंसेस में एक सेंस है आपका स्मेलिंग, वो स्मेल जो है उस स्मेल को काबू करने की क्षमता रखता है ये यक्षिणी साधना, ठीक है। ऐसे तो माउटियों में भी इसका प्रयोग होता है, जो ट्रिक्स होते हैं, जो ट्रिक्स्टर होते हैं, लेकिन ओरिजिनली जो गंध बाबा होते थे पहले भी, वो इसी यक्षिणी के सहारे से वो खेल दिखाते थे कि आपके हाथ में किसी भी तरीके का खुशबू आ जाए। अच्छा, इसकी साधना बड़ा आसान साधनाओं में एक साधना है, क्योंकि इसको आप अपने घर पर बैठ के कर सकते हैं। इसका एक मंत्र है, उस मंत्र को रोज 3,500 बार जाप करना होता है, और ये आपको 1 महीने तक करना होता है। मतलब क्या, 1,00,000 जाप 1 महीने तक। अगर आप इसका 1,00,000 जाप पूरा कर लेते हैं तो फिर ये आपको वो शक्ति देती है जिससे कि आप किसी भी तरीके के गंध को उत्पत्ति कर सकते हैं, भले ही उस गंध का जो सोर्स है वहाँ पर ना हो, ठीक है। इस पूरे वाक्य में सिर्फ एक ही ट्रिक होता है कि आपको शयन करना है, मतलब रात में 9 बजे तक सो जाना है और फिर मध्य रात्रि 12 बजे उठ जाना है, ठीक है। 12 बजे उठने के बाद ही आप इसका जाप कर सकते हैं, और ऐसा भी नहीं कि आप रात भर जगे रहे हो 12 बजे से आप जाप कर लिए। आपके लिए सोना महत्वपूर्ण है, सो जाना है, 12 बजे उठना है और फिर इसका जाप करना है, ठीक है। मंत्र क्या, मंत्र भी बहुत सिंपल है, ओम ह्रीम प्रमोदयी स्वाहा। क्या, ओम ह्रीम प्रमोदयी स्वाहा, इस मंत्र का जाप करेंगे, ओम ह्रीम प्रमोदयी स्वाहा। सिर्फ इस मंत्र के जाप करने मात्र से ये यक्षिणी प्रसन्न हो जाती है और आपको एक शक्ति देती है जो जिससे आप किसी के भी सेंस ऑफ स्मेल को अपने वश में कर सकते हैं। शक्ति अनुभूति के लिए साधक को कुछ ना कुछ अय्यारी आना चाहिए। इन सब थॉट्स के साथ आप सब भी ये साधना करें, इसका लाभ उठाएं और इसके मज़े लें, क्योंकि ये लोगों में बहुत इम्पैक्ट करता है अगर आप ऐसे छोटे मोटे चमत्कार दिखा पाओ तो। आज के लिए इतना ही। जिनको पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है वो मेरे नंबर 9431188585 पर जुड़ सकते हैं। जो भी साधना का शुरुआती आयाम है वो हम इसमें आपको बताते हैं। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप है, उसमें आप मुझसे बात कर सकते हैं। कॉल मी फॉर ऐप पे रुद्रनाथ @info सर्च करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा। जो ज्ञानवर्धक जानकारियाँ चाहते हैं वो मेरे वेबसाइट www.aghortantrarahasya.com पर लॉग इन करें। इसमें मेरा और मेरे जैसे कई साधकों का जो थॉट प्रोसेस है, जो आर्टिकल्स है, वो इसमें हम पब्लिश करते हैं। आप सभी को आदेश आदेश, अलग आदेश।